एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय मिलता है। हमारा देश सबसे प्राचीन और विभिन्न सभ्यताओं वाला देश है। कई रोचक बातें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं अपने देश से संबंधित कुछ रोचक बातें। वैसे तो भारत में डाक का बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर के डल झील पर स्थित है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि साल 2011 में संगम के तट पर कुंभ मेले की ऐसी भीड़ जुटी हुई थी कि इस भीड़ को स्पेस या अंतरिक्ष से भी देखा गया था। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। यहाँ पर किसी आतिशबाजी रॉकेट की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस रॉकेट की बात हो रही है जिससे स्पेस में छोड़ा जाता है। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि उसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पर रख के उसे ले जाया गया था। और यही नहीं, पहला सैटेलाइट भी भारत का बैलगाड़ी पर लाद के लेके गए थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है? पर ये सच है। शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है, जिसका मतलब है मसाज। भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी है, जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 26,000 है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में ही रहता है, जिसमें एक व्यक्ति है, उसकी 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत में लद्दाख के लेह के पास स्थित एक ऐसी चुंबकीय पहाड़ी है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वह आसानी से कारों को अपनी तरफ खींचता है और ऊपर चढ़ाने में सहायता करता है। क्या आपको पता है कि सबसे पहले भारत ने ही चंद्रमा पर पानी की खोज की थी? यह बात सितंबर 2009 की है, जिसमें चंद्रयान सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा पर पहली बार पानी खोजा था। मैथ्स या गणित में सबसे ज़रूरी नंबर 0 की अवधारणा भारत ने ही दुनिया को दी थी। भारत में शाकाहारियों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, यानी कि दुनिया भर में भारत में ही सबसे ज़्यादा शाकाहारी भोजन किया जाता है। सोना खरीदने में भी भारत सबसे आगे है। सोने को भारत की संस्कृति से जोड़ा गया है। उपहार और शादी में सोना का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में ही पाई की वैल्यू की भी खोज हुई थी। भारतीयों का योगदान गणित में भी रहा। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और एल्जेब्रा, ये सभी देन भारतीयों की ही है। भारत में लगभग 2600 साल पहले सुश्रुत द्वारा सर्जरी की जाती थी। उन्होंने आयुर्वेद विकसित किया और कई सर्जरी और ऑपरेशन का रिकॉर्ड भी बनाया। प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में ही हुई थी। चेस का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। इसे चतुरंग संस्कृत के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है एक सेना के 4 सदस्य। सांप सीढ़ी का खेल बहुत ही पुराना है। इस खेल की शुरुआत भारत में ही हुई थी। इस खेल के पीछे भलाई और दुराचार की शिक्षा छुपी हुई है। तिरुपति स्थित विष्णु मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहां वेटिकन और मक्का से भी श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह की कई ऐसी रोचक बातें हैं जिसको जानकर हमें इंडियन होने पर गर्व होता है। भारत अपनी विशेषताओं के कारण औरों देशों से अलग है, उसकी एक अलग पहचान है। अपने देश की सुख और शांति की कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।